राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो बता के रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी पूरी हीरा गोल्ड की फैमिली से मुखातिब हूँ और मैं आप लोगों के दर्द में उसी तरीके से शामिल हूँ जिस तरीके से मैं अपना दर्द महसूस करती हूँ और मेरी जो ज़रूरियात हैं और आपके जो हालात हैं सब इक्वल हैं, किसी के कम हैं किसी के ज़्यादा हैं। लेकिन मैं शुरुआत इसलिए इस चीज़ से कर रही हूँ कि मुझे एक एक के हालात पता हैं। बेशुमार कॉल आते हैं लोगों के और ऐसी ऐसी तकलीफ़ें हैं कि दिल तड़प जाता है, ऐसा लगता है कि या अल्लाह कैसी आजमाइश है, काश मेरे पास इतनी दौलत होती या इतना ख़जाना होता कि मैं लोगों की मदद कर पाती। लेकिन ये बहुत सख्त आजमाइश है जिससे हम बहुत दूर तक गुजर चुके हैं। अब थोड़ी सी आजमाइश जो है वो अल्लाह की तरफ से हम पर बाकी है और मैं आप लोगों से बहुत दर्दमंदाना दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग शिद्दत से दुआएं करिए, नमाज़ें पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह हमारे हक़ में फ़ैसला लाए और इंशाअल्लाह अज़ीम हमारे हक़ में ही फ़ैसला आएगा। बस देखिए, जो ये कोरोना वायरस की वबा पूरे मुल्क में फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक इसकी चपेट में आए हैं और माशी तौर से आज एक जो बुहरान मचा हुआ है उससे हर कोई वाकिफ है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि किसी की भी गलत बातों में आकर आप लोग अपने आप को परेशान ना करें। जो न्यूज़ चैनल से अपडेट मिलती है उसे देखिए और किसी भी ऐसी चीज़ को ना देखिए, ऐसे वीडियोस को ना देखिए जिससे आप खुद परेशान हो। परेशानी वैसे ही कम नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट से जो हमारा फ़ैसला आना है वो इंशाअल्लाह अज़ीम हमारे हक़ में ही आएगा और अल्लाह ताला ने चाहा तो बिलहक गालिब आएगा बातिल पर और अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और रिस्पेक्टेड डॉक्टर नोहरा शेख आलिमा आपा के ऊपर जो एक्ट लगे हुए हैं उसमें उनकी सज़ा 10 साल की है और 7 साल से तक की जिनकी सज़ा है या उससे कम की है उनको रिलीज़ करने के लिए कहा गया। हमारे जो एडवोकेट्स हैं माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के बहुत काबिल और तजुर्बाकार एडवोकेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई उनको सिखाएगा तो वो अपना केस लड़ेंगे, कोई उनको बोलेगा तो वो अपना केस लड़ेंगे नहीं, उन्होंने अपना काम लिया है, वो बखूबी उसको निभा रहे हैं और निभाएंगे। बस हमारी बदनसीबी कहिए या सख्त आजमाइश कहिए कि ये कोरोना वायरस का जो एक वबा है कोरोना वायरस की वो हम पर आई है और कहीं ना कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज़ है। तो इस्तग़फ़ार पढ़िए और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करिए और देखिए हक़ की जो राह होती है वो कांटों भरी ही होती है लेकिन उसके बाद जो सवेरा आएगा इंशाल्लाह वो रोशन होगा। और आप लोगों ने और हमने जिस तरीके से मिल के रिस्पेक्टेड डॉक्टर नोहरा शेख का साथ दिया है तो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में जीत है। हमने हमारी कंपनी को बचाया है, चारों तरफ से हम सपोर्ट बन गए हैं, कोई कंपनी की नींव बन गया, कोई दीवार बन गया, कोई ईंट बन गया, कोई छत बन गया और वो कंपनी कायम है। अगर हम हिम्मत हार जाते, हम साथ नहीं देते, सारे के सारे लोग कंप्लेंट्स कर देते तो आज ये जो हमारे लिए सूद से पाक एक कारोबार है वो ख़त्म हो गया होता। भले हमारे लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है जिससे हम गुजर रहे हैं और देर तो हुई है लेकिन जिस वक्त अल्लाह ताला हमें आजमा रहा होता है और वो कुछ हमारे लिए बेहतर कर रहा होता है उस वक्त हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन वो वक्त गुजर जाने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती हैं, बेसाख्ता हमारे मुंह से निकलता है कि अल्लाह का लाखों शुक्र है कि ये चीज़ अब हुई, पहले होती तो ऐसा हो जाता, पहले होती तो वैसा हो जाता। तो देखिए हर चीज़ में अल्लाह की जो मसलियत पोशीदा होती है। हम जो अभी मुश्किल दौर से या मुश्किल राह से गुजर रहे हैं, जो नशे वो फराज से हम गुजर रहे हैं, यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर हमारी राह हमवार कर रहा है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो हमारे लिए हक का ही फैसला करेगा और बेहतर फैसला करेगा और वो बेशक हम लाखों लोगों की राह हमवार कर रहा है। और ये जो वायरस की वबा आई है उसकी वजह से भी पूरी दुनिया में अल्लाह ताला दिखाना चाहते हैं कि मेरी तरफ लौट आओ। अब रह गई बात, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
अल्लाह ताला जिस काम को करना चाहते हैं, अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये काम हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला फिर यही होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुन फयाकुन। तो इस चीज़ पर ईमान रखिए। और रिस्पेक्टेड डॉक्टर हैरा शेख जो हैं वो एक आलिमा हैं, अमानतदार हैं, इतने बड़े बड़े उनके जो फलाही काम हैं ऐसे ही नहीं हैं, ये जो धोखा देने वाले लोग होते हैं उनके ऐसे काम नहीं होते हैं। और आप लोग तो मुझसे बेहतर ही जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हैरा आपा के बारे में और कंपनी के बारे में। तो जिस तरीके से आप लोग सब्र के साथ हैं वैसे ही रहिए, आप लोगों की ताकत ही हैरा आपा की ताकत है, हमारी ताकत हैरा आपा की ताकत है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करिए और किसी की भी गैर गलत बातों में मत आइए, अपने आप को परेशान मत करिए, परेशानियां वैसे ही कम नहीं है। और तिरुपति के मदरसे में जो मासूम बच्चियां हैं, हज़ारों बच्चियां बच्चे और जो वहाँ की असातिज़ा हैं, आलिम उलमा हैं, वो लोग जो दुआएँ कर रहे हैं वो भी रायगा नहीं जाएगी। एक एक दुआ का जब असर दिखना शुरू होगा तो उस वक्त बातिल कहीं मुँह छुपाने के लायक नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने बातिल की रस्सी को ढीला किया हुआ है और वो ज़रूर कैसे जाएगी, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। और देखिए कि मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि तेलंगाना का जो ऑर्डर हमारे हक में आया, अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीमुशान वो जीत थी और ये जीत दोहराई जाएगी अगर महाराष्ट्र से आपा की बेल हो जाती, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरे स्टेट में कंप्लेंट हो जाती, कोई FIR कर देता, तो फिर वहाँ से आपा को अरेस्ट करके फिर वो लंबा प्रोसीजर चलता, 3 महीने 4 महीने जो भी XYZ। कोर्ट कचहरी का मामला हमारे घर का नहीं होता है कि चार लोग बैठे और मैटर को सॉल्व कर दिया, ये डेट्स मिलती हैं और ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। मामूली मामूली से केसेस जो होते हैं वो 20-20, 10-10 साल चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से जो हमारा फैसला है वो ऑल इंडिया ओवर आना है इंशाल्लाह, और उसमें फिर दोबारा यहाँ वहाँ से आपा की कस्टडी नहीं होगी, इंशाल्लाह FIR नहीं होंगे। तो ये बात को मानकर चलिए कि जीत हमारी होगी, हक की होगी, हक की होगी। और सब्र व तहम्मुल को बनाए रखिए, आपा पर यकीन रखिए, अल्लाह पर यकीन रखिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इन्वेस्टर को ये कह दिया कि हमारा दिवालिया हो गया और वो लोग बड़े आराम से जेल से रिहा हो गए और वो अपनी फैमिली में अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन सिर्फ परेशान आपा इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने इन्वेस्टर को धोखा नहीं देना है, वो ईमानदार हैं, इसलिए आज वो कैदोबंद में हैं और हमारे लिए हैं, अपने बिजनेस को बचाने के लिए हैं। हलाल काम है, हलाल काम जो है ना, हलाल कमाई वो बड़ी मुश्किल से ही होती है, लेकिन जो हराम कमाई है उसको कमाना बहुत आसान होता है, उसमें मुश्किलात नहीं होती हैं। उन मासूम बच्चों के बारे में भी सोचिए जो पांचों वक्त की नमाज में हमारे लिए भी दुआ कर रहे हैं और आपा के लिए भी दुआ कर रहे हैं। और आपा भी एक अमानतदार है और आलिमा है, वो भी पूरी ताकत लगा रही हैं बाहर आने के लिए, और बातिल ने इस शुरू से आप लोग जानते हैं कि पूरी ताकत लगाई है केस को डिले करने के लिए, आपा को परेशान करने के लिए कानूनी दाव पे इख्तियार किए। लेकिन इंशाल्लाह जीत हक्की हुई और आगे भी हक्की होगी। ये एक दिन नहीं बताया जा सकता है कि कल आ जाएंगे, इतनी तारीख को आ जाएंगे आपा, नहीं। जिस दिन अच्छे से आर्ग्यूमेंट हो गया, ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत बड़ी रुकावट आई है, लेकिन हमें इसे हिम्मत से एक दूसरे को सहारा देख के, एक दूसरे के अशकों को पोंछकर, एक दूसरे को थाम कर इस मुश्किल घड़ी का जो है तो हमें सामना करना है। और किसी की भी गलत बातों में मत आइए, खुदा के लिए किसी की गलत बातों में मत आइए। कौन से एक्ट लगे हैं, किस पर क्या रिलीज मिलना है, किस पर नहीं मिलना है, वो एडवोकेट्स और जज अच्छे से जानते हैं। आम लोग अपने हिसाब से बात करते हैं, सवाल करना और परेशान होना तो है ही है क्योंकि हमारी ज़रूरतें इतनी सख्त हैं, लोग कर्जे पानी में डूबे हुए हैं, एजुकेशन रुका हुआ है बच्चों का, सब कुछ हम जानते हैं और हम झेल भी रहे हैं, लेकिन हमारे पास सब्र के सिवा, दुआ के सिवा कुछ नहीं है। इतने बड़े बड़े एडवोकेट्स आपा ने खड़े किए हैं बाहर आने के लिए, ना कि अंदर बैठने के लिए। हम मुखालफिन की तरफ से ऐसी बातें आती रहती हैं,
तो छोटी छोटी जगह से, बेशुमार जगह से आपा ने बेल लिए, एडवोकेट्स को खड़ा करके लिए। अब लोग आपा की फैमिली पर क्यों आते हैं, आपा की क्या वालदा आएंगी को केस लड़ने के लिए? ये केस तो एडवोकेट लड़ेगा ना, आर्ग्यूमेंट तो एडवोकेट करेगा और फैसला तो जज ने सुनाना है। क्या आपा की बहनें आएंगी, आपा के भाई आएंगे? वो लोग जज हैं, वकील हैं, तो इस तरीके की जो बेमाना बातें लोग करते हैं कि इनकी फैमिली को ऐसा, तो आपा की फैमिली ही सब कुछ अरेंजमेंट कर रही है और आपा के जो एडवोकेट्स हैं वही लोग केस को जो है तो सही वे में लेके जा रहे हैं, मजबूत जा रहा है, हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स और जाने माने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में हैं, किसी की बातों में मत आइए। आप लोग एडवोकेट अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, दुआ करिए कि हमारे हक में फैसला आए। कोरोना वायरस की वजह से लेट हो रहा है और आगे कितना, मतलब दिन लगेगा, दिन या महीने वो हम बोल नहीं सकते। अल्लाह ने चाहा तो जल्दी भी हो जाएगा और अल्लाह ने आजमाइश थोड़ी और सख्त रखी है तो हमें उसमें खरा उतरना है, ना कि बदगुमानी करना है। तो मेरी आप लोगों से मुअज्जमाना गुजारिश है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और उस पर कायम रहेंगे। और बहुत सारे लोग ने जो मुझे कुछ चीज़ें भेजी थी पर्सनल पर, वो मैं बाद में वीडियो में कहकर बताऊँगी। मुझे मौका नहीं लगा था कोरोना वायरस की वबा में, लोग ऐसे परेशान हैं तो वो सब चीज़ें सुनाने के लिए। लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने जिन लोगों से कहा था कि किस तरीके से हम हमारी कंपनी को बचा सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत अल्फाजों में और बहुत अच्छे से लोगों ने अपनी राय मुझे दी है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की कि जो लोग इतना नर्म दिल रखते हैं और इतनी अच्छी अच्छी राय दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता करे। और दुआएं करिए और गैर गलत बातों में मत आइए। इंशाल्लाह अल्लाह ने जो दिन मुकर्रर किया है वो हो जाएगा। और मैं एक बार फिर कहती चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कोर्ट बंद होने की वजह से थोड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारे हक में ही फैसला आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एवं देश विदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए, जो खबरें आपके जीवन से रखती हैं सीधा वास्ता, ऐसी खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी।